नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्थ ईस्ट के एक सुंदर राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ये राज्य अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, शांत झीलों, दर्रों और मठों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप भी घूमने के लिए किसी ऐसी ही जगह पर जाने की तलाश में हैं तो आपको अरुणाचल प्रदेश जरूर जाना चाहिए। यहाँ की संस्कृति, मौसम और खान पान भारत में अन्य राज्यों से काफ़ी अलग है। लेकिन यहाँ पे घूमने जाने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए इनर लाइन परमिट लेना होता है, जिसे आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं या फिर दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, शिलोंग, तेजपुर, डिब्रूगढ़, लखीमपुर और जोरहाट में इनके रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस से बनवा सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो इसमें पहले नंबर पर आता है तवांग। तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये जगह समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर है और तवांग अपने सुंदर मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता से भरी ऐसी जगह है जहाँ हर कोई चकित रह जाता है। हिमालय की गोद में बसी ये जगह एक अलग ही दुनिया लगती है। तवांग आकर आप यहाँ के मठों और अभयारण्यों में घूमना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद अगले स्थान पर आता है ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और इसे प्रकृति का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह शहर अरुणाचल की संस्कृति को जानने के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ पर 15वीं शताब्दी का ईटा किला, पौराणिक गंगा झील और बुद्ध विहार यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। यहाँ का मौसम साल भर सुहाना ही रहता है। अगर आप भी अरुणाचल की यात्रा पर आएं तो ईटानगर जरूर घूमें। इसके बाद अगले स्थान पर आता है जीरो। जीरो अरुणाचल प्रदेश में एक पुराना शहर है जो अपातानी जनजाति का घर है। ये जगह देवदार की पहाड़ियों और चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी मौसम साल भर सुहाना रहता है और ये जगह यहाँ की जनजाति को समझने के लिए एक अच्छी जगह है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बोमडिला। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश का एक सुंदर शहर है। यहाँ से हिमालय पर्वत के शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। ये जगह बौद्ध मठों, हिंदू मंदिरों और वन्य जीव अभयारण्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको यहाँ सेब के बगीचे भी नजर आ जाएंगे। इसके बाद अगले स्थान पर आता है रोइंग। रोइंग अरुणाचल प्रदेश का एक शानदार टूरिस्ट प्लेस है जो अपने बर्फ से ढकी पहाड़ियों, घाटियों, नदियों, झरने, झीलों और पुरातत्व स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ यात्रा करना एक अलग ही अनुभव रहता है। यहाँ की झीलें और घाटियाँ सभी को पसंद आती हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है भालुकपोंग। भालुकपोंग अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये जगह प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत और शांत है। यहाँ जंगल में बहने वाली कामेंग नदी इस शहर को और भी खूबसूरत बनाती है। यहाँ आकर आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और फिशिंग का मजा ले सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बंगाल टाइगर और अन्य जीव जंतुओं की प्रजातियों के लिए जाना जाता है। इस सेंचुरी में टाइगर, जंगली कुत्ते, हिमालयन ब्लैक बियर, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, हाथी, हिरन ऐसे कई प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। इन्हीं जीव जंतुओं को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नूरनांग वाटरफॉल। नूरनांग वाटरफॉल तवांग के जंगल में स्थित एक खूबसूरत झरना है जो कि एकदम शांत जगह पर है। 100 मीटर से गिरता ये झरना शानदार दिखता है। वैसे यहाँ पर्यटक काफ़ी कम आते हैं, लेकिन प्रकृति को निहारने के लिए ये एक अच्छी जगह है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सेला पास। सेला पास अरुणाचल प्रदेश की एक ऐसी जगह है जो स्वर्ग के समान है। ये जगह हिमालय में सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। यहाँ पर ही अरुणाचल की खूबसूरत झील सेला झील भी है। ये जगह चीन के काफ़ी नज़दीक होने के कारण यहाँ घूमने के लिए बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है यिंकी ओनक। यिंकी ओनक ऊपरी सियांग जिले का मुख्यालय है जिसका नाम यहाँ बहने वाली सियांग नदी के नाम पर रखा गया है। ये जगह मेनली एडवेंचर लवर के लिए काफ़ी शानदार है। यहाँ पर ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, फिशिंग, राफ्टिंग और कैंपिंग का मजा लिया जा सकता है। तो यह है अरुणाचल प्रदेश के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं।
अरुणाचल प्रदेश भारत के कुछ उन अनछुए राज्यों में है जहां घूमने के लिए बहुत ही कम लोग जाते हैं, लेकिन हिमालय के नजदीक होने के कारण ये राज्य बेहद ही सुंदर है। तो आशा करता हूँ हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।